आपके संग एक इत्तेफाक जुड़ा रहता है कि जब भी आप कोई फिल्म करते हैं तो हीरोइन के संग कुछ ना कुछ मतलब नाम वाम जुड़ना शुरू हो जाता है। इसको आप इत्तेफाक कहते हैं? मतलब कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब आपसे हो जाता है, लेकिन कल्प्रिट बोल रहा है कि एक इत्तेफाक है, ठीक है, ओके, आई बिलीव यू। तो ये लियाना कैसे बच गई, मतलब इनके संग कुछ चर्चा नहीं आई? इलियाना आप कुछ कहिए, अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है, तो आपकी शुरुआत ऐसे ही एक पाक साफ शरीफ सवाल से होनी चाहिए। I don't know why everybody always asks me these questions, even for Barfi, or ask me the same thing, ki how come there was nothing that happened. I don't know, maybe I'm a very boring girl. I don't know. Do you want to say anything? There doesn't need to be. As long as there's chemistry on screen, I think it works. Lekin main bach gayi hoon. शाहिद, इन दिनों जैसे कि अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि आपका नाम हर किसी के साथ जुड़ जाता है। काबिल दोस्त? हाँ जी। तो उन्होंने अभी रिसेंटली भी एक खबरें चल रही हैं आपको लेकर और उमा कुरैशी को लेकर, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? उमा कुरैशी? जी जी जी, मैं पहली बार सुन लिया था और उसका जवाब एक्चुअली मैं पेपर में दे चुका हूँ। मैं जिंदगी में सिर्फ दो बार मिला हूँ उनसे, और आपके काबिल दोस्त ने जो कहा था वो अभी क्या कहूँ मैं, ये आदत हो गई। अगर मैं किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँ, अगर मैं किसी, एक्चुअली हम लोग कभी कॉफ़ी पीने नहीं गए, हम लोग कभी फिल्म देखने नहीं गए, हम लोग कभी वॉक पे नहीं गए, हम लोग कभी गाड़ी में नहीं गए साथ में, इसलिए मैं और इलियाना लिंक नहीं हुए, बिकॉज इनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू एवरीवेयर, इनके पास वक्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म भी आउट ऑफ बॉम्बे ज़्यादातर शूट हुई है। बट या आई थिंक इट्स वेरी फनी, ऑनेस्टली मुझे बहुत फनी लगता है कि इन 2013 जब कोई एनी गाय who is an actor, happens to be an actor, is seen with anybody who is female. Thankfully till now it's just female. Unka kuch chakkar chal raha hai. So, you know, ab tak, haan, ladkiyon tak hi restricted hai. I hope you guys don't run out of options and start naming boys. That might be not very nice. और आपकी पिक्चर के साथ ही एक अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर और कटरीना के बीच शुरू हो गई है, उसका कोई क्रेडिट आप लेना चाहेंगे? सॉरी, मैं किसका क्रेडिट? रणबीर और कटरीना के बीच की प्रेम कहानी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो फिल्म बनाता हूँ, फिल्म के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ वो करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ जो भी है वो उनका अपना है, एंड उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है ना, मेरा कोई योगदान है, जो भी है वो मैं मुबारकबाद दूंगा, अगर अच्छा है सही है, भगवान खुश रखे उनको। इस फिल्म में आप सलमान के फैन हैं जी, रियल लाइफ में कौन सा ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसको आप बहुत चाहते हैं? मैं अपने फादर को बहुत चाहता हूँ। शायद यू आर अ वेरी ग्रेट डांसर, बट देन इन दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली वी हैव नॉट रियली सीन यू डांसिंग, आई मीन इन योर होल कैपेसिटी, सो इज देयर एनी अदर सॉन्ग इन द फिल्म वेयर वी विल सी यू फुल ऑन शाहिद कपूर स्टाइल? ट्रस्ट मी, माय कैपेसिटीज वर रियली चैलेंज्ड व्हेन आई डिड दैट स्टेप लाइक दैट एंड दैट डॉगी स्टेप। आई नेवर रियली थॉट आई विल बी डूइंग थिंग्स लाइक दैट इन माय लाइफ, बट देन आई हैव बॉस्को हियर टू ब्रिंग आउट द डॉगी इन मी, सो टू से, आई गेस। राजजी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। We have seen you taking Salman in Ajab Prem Ki Gajab Kahani as well. Do you think he's a lucky factor for you? I don't think like that. It was more of a need of the script, the story. Us film mein maine, because Katrina is a big fan of Salman, and as a incident ho jata hai ki Salman comes there. Is film mein aisa hai ki beginning se Shahid ke sath maine rakha hua hai ye ki he is a big fan of film stars, particularly Salman. जो इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्टार्स ऑफ अवर टाइम्स नाउ, तो एक इत्तेफाक है ये, नॉट बिकॉज ऑफ वी लकी मैस्कॉट है लाइक दैट, बट आई विश इट हैपेंस, द सक्सेस रिपीट्स इन दिस फिल्म ऑल्सो, देन थर्ड टाइम मैं डेफिनेटली सलमान के पास यही बोलकर जाऊंगा, यार तू लकी है मेरे लिए, मेरे पिक्चर में आ जा, एक सीन करके जा।